नमस्कार, मैं मिराज, आपको सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रिंट राइट पे। तो जैसे कि आपको पता है, हर बार मैं एक नया वीडियो लेके आता हूँ स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स के बारे में, जितने तरीके की मशीन्स है, कुछ आइडियाज़ देते हैं, कुछ आइडियाज़ हमें सब्सक्राइबर से भी मिलती है। तो क्या इसे हम भी जानते हैं और सब्सक्राइबर भी जानते हैं बहुत सारे कुछ। तो चलते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे फोर कलर फोर स्टेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फोर कलर फोर स्टेशन हैवी ड्यूटी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन। तो फोर कलर फोर स्टेशन चार वेरिएंट में होती है। कौन से वेरिएंट में क्या क्या होंगी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो चलते हैं मशीन की तरफ। तो दोस्तों, जैसे बता रहा था मैं कि फोर कलर फोर स्टेशन हैवी ड्यूटी स्क्रीन प्रिंटिंग के चार वेरिएंट हम लोगों के पास अवेलेबल है। मैं आपको चार वेरिएंट के डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा, कौन से वेरिएंट कैसे, अभी जस्ट बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन कैसे रहने वाली है मशीन्स। तो फोर कलर फोर स्टेशन जो मशीन है, ये जो आपका पैलेट ये रोटेट होने वाली है, पैलेट रोटेट होती है, और यहाँ देख रहे हैं आप स्टेशन बताते हैं इसको, ये स्टेशन पर आके लॉक हो जाएगी जहाँ पे आपका प्रिंटिंग एरिया होगा, ठीक है। और ये मेरे साइड में देख रहे हैं आप, ये फ्लश ड्रायर लगा हुआ है, इसकी भी वीडियो मैंने बाद में अपलोड कर दूंगा। और जैसे देख सकते हैं कि फोर कलर फोर स्टेशन में आपको क्या है, सबसे ज़्यादा फैसिलिटी क्या मिलेगी, आपको फीचर्स क्या मिलेगी, आपको प्रोडक्शन बहुत ही हाई होने वाला है। आप पर आवर इसमें 120 से 150 तक आप कर सकते हैं सम प्रिंट, क्योंकि जैसे कि ये उस टाइम पिछले वाले वीडियो में या फिर फोर कलर टू स्टेशन कहीं भी देखेंगे तो पैलेट रोटेट नहीं होती है, करेक्ट, पैलेट रोटेट नहीं होती है, इसीलिए प्रोडक्शन कम होता है। कैसे कम होता है मैं बताऊँ, दो आदमी चाहिए, दो पर्सन आपको चाहिए इसमें काम करने के लिए। एक सपोज़ यहाँ पे आपका प्रिंटिंग एरिया वो है, तो यहाँ से आपको डालना पड़ेगा टी शर्ट, जिसे लोडिंग कहते हैं, लोडिंग कर देगा आप, ये पैलेट घुमा देंगे आप, वहाँ चल जाएगा टी शर्ट प्रिंट हो जाएगा, फिर वहाँ पे जाके आपका ड्रायर में सेमी क्योरिंग या फिर टेम्प्रेरी क्योरिंग के लिए डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक फ़ैन लगा सकते हैं आप, अगर मल्टी कलर आप फ्यूचर आप यूज़ कर रहे हैं, मल्टी कलर यूज़ कर रहे हैं। तो क्या इसका मशीन का मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और भी डिटेल से बता दूँ, ये जो मशीन्स है इसका वेट, नेट वेट अराउंड 190 से 200 केजीज़ का होता है। ये जो स्टैंड के साथ आती है, ये पूरे स्टैंड के साथ आती है, 190 केजी से 200 केजी तक का पूरा मशीन का वेट, नेट वेट होती है। और यहाँ पे मैंने बताया था हर एक मशीन में आपको हम लोग प्रिंट राइट के मिलेंगे बार लॉकिंग सिस्टम, इसमें भी मिलेंगे आपको। इसमें बार लॉकिंग सिस्टम का क्या फ़ायदा होता है, आप जैसे ये डाल ऐसे डाउन करने के बाद अब ये शेक नहीं होगी, तो क्या आपका डिज़ाइन जो है या प्रिंट जो है कॉम्पैक्ट रहेगी, आपको कहीं भी चांसेस नहीं होंगे कि आपको डिज़ाइन से यहाँ कुछ भी आपको फॉल्ट मिले। इसमें आपको 360 माइक्रो आएंगे, उसके बाद आपको आएंगे एक्स एंड वाई एक्सिस जो कि US वेरिएंट है, हम लोगों ने लॉन्च किए हैं फर्स्टली। उसके बाद आपको मिलेंगे यू शेप माइक्रो एडजस्टमेंट, ठीक है, ये चार वेरिएंट मिलेंगे। और फर्स्ट वन ये आपका नॉर्मल, तो क्या है नॉर्मल में आपको क्या मिल जाएगा, आपको 100% रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगी हर एक मशीन पे, इस पर भी मिलेंगी 100% रजिस्ट्रेशन। और आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो नॉब्स है ये थ्रेडलेस है, ये थ्रेड कभी चाहेंगे नहीं। और इसमें पैलेट दिए हुए कि जैसे कि सेम प्रेशर आए आपके फ्रेम पर। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे फोर कलर वन स्टेशन फोर कलर टू स्टेशन में आपको हाइड्रोलिक्स दी जाती है, इस अपर वेरिएंट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं हाई टेंशन स्प्रिंग्स। ये स्प्रिंग्स क्या है, ये हैंड जो है एक एक हैंड आपका 8 से 10 केजी तक का होता है जो कि हाइड्रोलिक नहीं ले पाता है, तो क्या हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोगों ने हाई टेंशन स्प्रिंग यूज़ किए हैं। आप इस पर देख सकते हैं, इस पर आपको ऑफ कॉन्टैक्ट एडजस्टमेंट दी गई हुई है, ऑफ कॉन्टैक्ट एडजस्टमेंट नॉब, इससे आप ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हैं। अभी ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा कभी, और जो जानते हैं वो समझ गए होंगे कि ऑफ कॉन्टैक्ट है क्या। तो ऑफ कॉन्टैक्ट नॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप अगर प्रिंटिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। और इसमें जो दो नॉब और दे गए हैं, इसे बैक सपोर्ट नॉब कहते हैं,
ये सारे चीज़ आपको मिलने वाले हैं, फोर कलर फोर स्टेशन हैवी ड्यूटी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन में। और ये इसमें भी पैलेट आप देख सकते हैं, पैलेट को आप रिमूव कर सकते हैं, ये पैलेट रिमूव कर सकते हैं। और इसमें एक बात और दी गई, इसे स्केलिंग कर दी गई है। आप फोर कलर यूज़ कर रहे हैं, मल्टी कलर यूज़ कर रहे हैं, तो आप जिस पैलेट को एक एक नंबर पे कर रहे हैं, सपोज ये थ्री नंबर्स मार्किंग में है ना, थ्री नंबर में सब पैलेट करें, तो नेक्स्ट जो है सारे पैलेट को सेम स्केलिंग में यूज़ कीजिए, आपका डिज़ाइन कॉम्पैक्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा आप तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं स्केलिंग के बारे में मैंने बताया कि आप अगर ये पैलेट सेम स्केल पे लाइन पे ला रहे हैं, तो सारे पैलेट सेम स्केल लाइन पे लाएं, तो आपका कलर एडजस्टमेंट बहुत हेल्प करता है। 360 माइक्रो में क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस माइक्रो एडजस्टमेंट में क्या है, और यू शेप माइक्रो एडजस्टमेंट में क्या है, ये मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे लाइक्स आए हैं, तो थैंक यू लाइक्स और कमेंट्स सब्सक्राइब के लिए। और भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी कॉन्टैक्ट कीजिए, और लिंक दी गई हुई है, परचेज लिंक दी गई हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर एक सोशल मीडिया पे प्रिंट राइट सर्च कीजिए, ज़रूर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में सारे कुछ दिए गए हैं। और हाँ दोस्तों, लाइक करना वीडियो को मत भूलिए, लाइक करेंगे तभी हम और वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और भी ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, और भी डिस्क्रिप्शन डालेंगे कुछ, तो लाइक ज़रूर करें। जो लाइक कर रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, सो लाइक्स जल्दी बढ़ाइए, और लाइक्स जितने आएंगे उतने मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि अपने मशीनरीज के फ्यूचर में बताऊं। और सब्सक्राइब कर लें जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर लें। सब्सक्राइब कभी कभी होता है कि सब्सक्राइब करके छोड़ दें, बेल आइकन क्लिक कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करेंगे हम लोग आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अभी दूसरे दिन के, और वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। बस आज तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ दूसरे वीडियो के साथ आऊँगा नेक्स्ट डे, तब के लिए थैंक यू।